أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماذ مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. अपने चैनल घर के रेडियो के तमाम मोहतरम सामईन की खिदमत में सबसे पहले माह रबीउल अव्वल की बेशुमार रहमतें और बरकतें बहुत मुबारक हों, और दुआ है कि अल्लाह पाक इस माह मुक़दस के सदक़े में तमाम अहले इस्लाम को उस्वाए रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत तैयबा को अपनी ज़िंदगियों में इख्तियार करने की हत्तुल मक़दूर तौफीक अता फरमाए। आमीन। मौजूद सामीन, हमारी आज की ऑडियो में जो प्रोग्राम पेश किया जाएगा वो है गुलहाए अकीदत। जी हाँ, इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही है कि हमारे वो अहबाब और बिलखसूस हमारे नौजवान और तालिबे इल्म जो नातिया शायरी सुनने, पढ़ने और लिखने का ज़ौक रखते हैं, उनको उर्दू अदब के उन नामवर मौजूद शौरा से मुतारफ़ करवाया जाए जो आसमाने उर्दू अदब के रोशन सितारे हैं। तो मोहतरम सामीन, हमारा आज का ये प्रोग्राम गुलहाए अकीदत, और इसमें मेहमान शायर जनाब मोहतरम इकबाल अजीम। इकबाल अजीम के हवाले से हमारा ये गुलहाए अकीदत का दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हम इकबाल अजीम के नातिया कलाम और तसानीफ के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली ऑडियो में अर्ज़ किया कि इकबाल अजीम साहब ने बुनियादी तौर पर अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल गोई से किया और कभी कभी नातें भी कहते थे, लेकिन साबिका मशरक़ी पाकिस्तान से हिजरत के बाद जब सन 1970 में
वो कराची में मुकीम हुए तो आहिस्ता आहिस्ता नातिया शायरी की तरफ मायल होते गए, यहाँ तक कि अपनी उम्र के आखिरी चंद सालों में उनकी शेरगोई का मरकज़ो महवर उनकी नातगोई बन गई। मोहतरम सामईन इकराम, बिलुमूम हमदिया और नातिया शायरी में ख़याल की यगानिगत और अल्फाज का चुनाव कमोबेश यकसा होता है। अलबत्ता इसके बावजूद किसी भी शायर का अपना तर्ज फ़िक्र, उसका मखसूस अंदाज, उसका मुनफरद नुक्ता नज़र इस तरह का होता है कि जिसके तहत पढ़ने वाला समझ सकता है कि ये किसका कलाम है। तो आइए इसी तनाजुर में इकबाल अज़ीम की शायरी को देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इकबाल अज़ीम की हमदिया शायरी के हवाले से। इकबाल अज़ीम जब खुदा लम जज़ल से मुखातिब होते हैं तो गौर फरमाइए कि वो कितने खूबसूरत और दिलनशीन अंदाज में मुखातिब हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ इकबाल अज़ीम का तुर्रा इम्तियाज़ है। ऐ मोहम्मद के खुदा हमको हिदायत फरमा, ऐ मोहम्मद के खुदा हमको हिदायत फरमा, हम गुनहगार भी हैं तेरे परस्तारों में। यहाँ मोहम्मद का खुदा कहना इकबाल अज़ीम को और शोरा में मुनफरिद तो मुमताज़ करता है। उनके नज़दीक मोहम्मद ही का खुदाए वाहिद रहमान रहीम और समीय बसीर है। दूसरे मज़ाहिब के बेशुमार खुदा हैं, लेकिन उनके नज़दीक गिनती ज़रूरी नहीं, बल्कि मोहम्मद का खुदाए वाहिद कह देना ही काफ़ी है कि वो वाहिद भी है और अहद भी है। और आइए अब हमद बारी ताला सुनने की सआदत हासिल करते हैं। कलाम है हमारे मेहमान शायर जनाब इकबाल अज़ीम साहब का, और इसे पेश कर रहे हैं हमारे चैनल के मोहतरम साथी डॉक्टर अदनान जावेद। आइए सुनते हैं। कौनैन की हर शय में वही जलवा नुमा है, कौनैन की हर शय में वही जलवा नुमा है, जितनी भी हो तौसीफे खुदा हक है बचा है, जितनी भी हो तौसीफे खुदा हक है बचा है। ये अब्र ये कोहसार ये सहरा ये गुलिस्तान, ये अब्र ये कोहसार ये सहरा ये गुलिस्तान, जो कुछ भी है सब उसका करम उसकी अता है, जो कुछ भी है सब उसका करम उसकी अता है। हर गुल के तबस्सुम में आया हुस्न है उसका, हर गुल के तबस्सुम में आया हुस्न है उसका, बुलबुल के तरन्नुम में निहां उसकी सदा है, बुलबुल के तरन्नुम में निहां उसकी सदा है। हर मंजिल दुश्वार को करता है वो आसान, हर मंजिल दुश्वार को करता है वो आसान, वो कादिर मुतलिक है वही उकदा कुशा है,
वो कादिर मुतलिक है, वही उकदा कुशा है। वो हस्ब तलब सबको अता करता है रोजी, वो हस्ब तलब सबको अता करता है रोजी। मोमिन है के काफिर है, बुरा है या भला है। तहसील जरो माल ना शोहरत ना मरातिब, तहसील जरो माल ना शोहरत ना मरातिब। इकबाल का मकसूद फकत उसकी रजा है, इकबाल का मकसूद फकत उसकी रजा है। कौनैन की हर शे में वही जलवा नुमा है। जितनी भी हो तौसीफे खुदा हक है बचा है।